स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को आए अराउंड 2 हफ्ते हो चुके हैं, और जब ये ट्रेलर आया था तब मुझे इसमें कुछ खास डिटेल्स समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने इसे कल रात में दोबारा देखा तो मुझे 2 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि मार्वल के पिछले वाले मूवीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा रेफरेंस था और मैंने इन्हें पहली बार में मिस कर दिया था। अब में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस चीज़ को मिस कर दिया होगा, तो उन्हें सबके लिए मैंने सोचा क्यों ना इस डिटेल को आप सबके साथ शेयर किया जाए। अब हो सकता है कि आपने ये चीज़ नोटिस कर ली हो पहले भी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नो वे होम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए, और अपन लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी पहली डिटेल की बात करें तो अपनी पहली डिटेल है आयरन स्पाइडर के ब्लैक सूट को लेके। बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये सूट जो है इसको रिवर्स करके पहन लिया है पीटर पार्कर ने, जिसकी वजह से इसके सर्किट्स और वायर्स भी दिख रहे हैं और हमें एक स्मार्टफोन भी इसके चेस्ट पे देखने को मिला। तो ये आंसर बहुत हद तक सही भी लगता है, क्योंकि वायर्स और सर्किट्स देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसने सूट को रिवर्स कर लिया है, मतलब उल्टा करके पहन लिया है, बिल्कुल क्रिस की तरह। अब तो कॉपी करना छोड़ दो मार्वल वालों। क्या बोला तूने? अब तो कॉपी करना छोड़ दो मार्वल वालों। मरना क्या भोसड़े के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे है तू। स्पाइडरमैन के इस ब्लैक सूट से रिलेटेड ट्रेलर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जहां पर पीटर स्ट्रेंज के मैजिक को यूज करता है। अब ये चीज देखने के बाद, एक दो बार देखने के बाद तो समझ में ही नहीं आया होगा कि यहाँ पे पीटर कर क्या रहा है, लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स हैं। अब ये क्यूरियोसिटी तो हर एक फैन के मन में आई होगी कि ये मैजिक कैसे काम करेगा और पीटर को कैसी कैसी पावर्स देगा। तो इसके लिए आपको एमसीयू के पास्ट में जाना होगा, अराउंड 2 या 1.5 महीने पहले जब व्हाट इफ का ग्रैंड फिनाले आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ने कुछ स्पेल कास्ट किए थे अपने टीममेट्स के ऊपर ताकि वो और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए और उनके अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप इस सीन में देख सकते हो जहां ब्लैक विडो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक तरह से अल्ट्रॉन को टक्कर दे रही है। एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के स्पेल्स की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और साथ ही साथ वो लोग अल्ट्रॉन के कई अटैक्स को सर्वाइव कर जाते हैं सिर्फ उस स्पेल की वजह से। तो वही सेम चीज हमें नो वे होम के अंदर भी देखने को मिलेगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो स्पाइडरमैन के ऊपर अपने स्पेल्स कास्ट कर देंगे, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उनकी पावर्स को यूज कर पाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और जिस स्पेल ने व्हाट इफ के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक को झेला है, तो उसके सामने इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है। अपने अगले डिटेल की बात करें तो ट्रेलर का एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जो कि ट्रेलर के एंड पोर्शन में आता है, यानी कि वो सीन जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ और वो यहाँ पर आ रहे हैं, और हमें स्काई में एक पर्पल कलर का पैटर्न देखने को मिलता है। अब इस पर्पल कलर के पैटर्न से बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एमसीयू के अंदर कोई नया विलन एंटर करेगा और वही 6th विलन हो सकता है। तो 6th विलन की पॉसिबिलिटी जानने के लिए और ये जो पर्पल कलर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है स्काई के अंदर, इससे कौन सा विलन एमसीयू के अंदर एंटर करेगा, ये जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। फिलहाल बात करें इस पर्पल इफेक्ट की, तो बहुत से लोग ये गेस कर रहे थे कि शायद ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन होगा, मतलब यहीं से मूवी का क्लाइमैक्स सीन शुरू होगा जहाँ पे हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे और उसके बाद हमें फाइनल फाइट देखने को मिलेगी। जहाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे शायद मल्टी डायमेंशनल बींग या फिर कोई कॉस्मिक लेवल का विलेन इस सीन के अंदर हमें नो वे होम के अंदर इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन अभी एक नई फैन थियरी जो कि नेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उसके हिसाब से ये क्रैक्स हैं, मतलब ये जो हमें पर्पल कलर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है आसमान में, ये एक तरह से रियलिटी का क्रैक है, जैसा कि हमें व्हाट इफ के इंट्रो के अंदर दिखाया जाता है कि रियलिटी ब्रेक होती है और वो कांच की तरह टूट जाते हैं, यानी कि ग्लासेस की तरह बिल्कुल। वही सेम चीज़ यहाँ पे एमसीयू के ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर हो रही है और आसमान के अंदर हमें वही सेम क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो यही थी वो 2 डिटेल्स जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको ये डिटेल्स पहले से पता थी तो कमेंट्स में बता देना, और अगर नहीं पता थी तो भी बताना कि कैसी लगी आपको ये डिटेल्स, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि बहुत जल्द मैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और इस वीडियो पे लाइक है मैं अपना 40 लाइक्स का, तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो @MarvelDude20। एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम दोनों मूवीज में से बेटर कौन सी है, किस मूवी की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें, और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 6th विलन कौन हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी और प्रेडिक्शन जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखें। तब तक के लिए गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।